अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल का हलवा। तो यहाँ पे मूंग की दाल हमने ली हुई है। तो मूंग की दाल हमने 3 घंटे पानी में सोख कर लिया है। आपको इसको 3 घंटे या 2 घंटे के लिए ही सोख करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसी कप से हमने 1 कप लिया हुआ है मूँग की दाल और 1 कप हमने चीनी लिया है। चीनी और दाल की क्वान्टिटी बराबर होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पानी हमें दाल में नहीं चाहिए। तो इसे हमने छन्नी में निकाल लिया है। तो इस तरीके से पानी ये गल जाएगा। और यहाँ पर हमने इंग्रीडियंट्स लिए हुए हैं। हमने यहाँ पे लिया हुआ है किशमिश, और किशमिश या बादाम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बादाम लिया हुआ है, 10-12 बादाम को हमने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ आज की मलाई हमने उतार के रख ली है। और यहाँ पे हमने छोटी इलायची ली हुई है। और ये 1 पाव है, वेट में 1 पाव चीनी है। और 1 कप ये चीनी और दाल की क्वांटिटी आपको बराबर रखनी है। और 1 पाव ही हम दूध का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप ये जो दूध आप देख रहे हो, ये हमने 1 कप दूध हमने 1 पाव लिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी दाल में हल्का हल्का पानी है। तो बिना पानी डाले हुए हम पूरा डाल देंगे और इसे इस तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेंगे। अगर किसी को दरदरा पसंद है तो आप दरदरा कर लें, नहीं हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए, एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए, इसलिए हमने बिल्कुल फाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हम एक आयरन कढ़ाई रख देंगे। आप चाहे तो नॉन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन कढ़ाई को बिल्कुल गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। यहाँ पे हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। और इसे गलने देंगे पहले। इसी में हमने डाल देंगे इसमें छोटी इलायची को बीच से काट के। आप इसकी जगह छोटी इलायची की जगह पाउडर भी यूज़ करते हैं, छोटी इलायची का कर सकते हैं। घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें थोड़ा सा 1/2 कप खाने के 4 चम्मच जो होते हैं 4 टेबल स्पून हम इसमें आटा डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे तो मूंग का दाल का जो हलवा का ब्रांडिंग है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। तो इसलिए हमने इसे डाला है और इसे इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। इसे आप चाहें डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आटे को बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। आप देखिए, अब हमने जो मूंग की दाल का पेस्ट बना के रखा है उसे हम एक साथ तुरंत डाल देंगे। ये देखिए, अगर आप इसे दरदरा रखना चाहते हैं तो आप दरदरा भी कर सकते हैं, एक साथ डाल देंगे। हम यहाँ पे कैमरा भी एडजस्ट कर देते तो साथ में डालने, तो इसे एक साथ डालेंगे तो इसका गुटका नहीं बनेगा, लेकिन मेरा बन गया था क्योंकि यहाँ पे कैमरे को एडजस्ट करना पड़ रहा था। और फिर इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। स्टार्टिंग में तो ये नीचे में चिपकेगा क्योंकि इसमें पानी है, तो इस चिपकेगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसे थोड़ा सा मेहनत है भूनने में। तो जब ये भुन जाएगा तो ये अपने आप बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो इसे चलाते हुए हमें भुनना है। जिस तरीके से ये गुटका बनना है तो हमें हाथों से इस तरीके से करते करते हमें इसे गुटके को भी वो कर लेना है ताकि एक बराबर भून जाए। जब ये भुनने लगेगा तो ये अपने आप हल्का होता जाएगा। अभी ये काफ़ी हार्ड है तो हाथों में भी तकलीफ़ हो रही है चलाने में, और काफ़ी मेहनत लगती है इसे भूनने में क्योंकि ये नीचे चिपकता है हल्का हल्का इसमें पानी। इसीलिए आप जब भी इसे पीसें तो बिल्कुल भी पानी ना डालें। तो इसे अगर आप ज़्यादा पानी का यूज़ कर लेंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा, आपको भूनने में बहुत ही परेशानी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा नीचे चिपक रहा है तो आँच की फ्लेम को आप कम कर दें, उसके बाद इसे भुनें। तकरीबन इसे भुनने में आपको 30 से 35 मिनट लगेगा। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें एक गोल्डन सा कलर नज़र आएगा और खूब अच्छी खुशबू आएगी, जिस तरीके से हम बेसन भूनते हैं उसी तरीके से। और आपकी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल चिकनी न तेल छोड़े हुए दिखेगी। ये देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल लाल हो गया है भूनते भूनते। अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं भुना, अभी हमें इसे और भुनना पड़ेगा। तो हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे बिल्कुल ये हल्का होता जाएगा, अपने आप ही ये बिल्कुल
हवा होते जाएगा और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस भूनने में ही थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए हमारी कढ़ाई भी नीचे से बिल्कुल चिकनी दिख रही है क्योंकि घी छोड़ रहा है, अभी और भी छोड़ेगा, इसीलिए हम इसे इस तरीके से चम्मच को इस तरीके से चलाते हुए ताकि एक बराबर हमारा दाल भुन जाए। और ये देखिए कढ़ाई में घी देखिए छोड़ दिया है, थोड़ा सा और भून लेते हैं। बिल्कुल हल्का हो गया है ये, बिल्कुल देखिए आसानी से अब भूनना है, बिल्कुल भी अब मेहनत नहीं लग रही है। इस साइड भूनता है, मैं दूसरी तरफ आपको दिखा देती हूँ किसे किस तरीके से आपको इसमें चीनी और दूध को यूज़ करना है। इसे हम थोड़ा सा और भून लेते हैं, अगर आपके पास कोई आपकी हेल्प करने के लिए तो उसे ये दे दीजिए भूनने के लिए और दूसरी तरफ आप ये काम कर लीजिए। ये जो दूध है एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, मलाई को डाल देंगे ऐसे मिला देंगे, इसे आंच पे रख देंगे, इसमें बॉईल आने तक की आंच पे रख देंगे। इसे भी चलाएंगे और इसे भी बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। और फिर हम इसी में डाल देंगे बादाम ताकि बादाम भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, भुन जाएगा थोड़ा बहुत। किशमिश भी डाल देंगे। और इसे हम 5 से 10 मिनट तक भुनेंगे। और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और घर में पूरी तरीके से खुशबू इसकी हो गई है, बिल्कुल जैसे बेसन भुनता है उसी तरीके से दूध में भी बॉयल आ गया है। इसमें हम 1 पिंच के करीब डाल देंगे फूड कलर, आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज भी फूड कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने आप अगर चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर डाला है। और ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरीके से घी आ गया है, हम इसके ऊपर डाल देंगे चीनी और ये जो दूध है उसे डाल देंगे और इसे चलाएंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे, अब थोड़ा सा आपको और मेहनत लगेगा। इसे चलाते रहेंगे अच्छे से ताकि चीनी एक बराबर मिल जाए। अब बहुत ज़बर फटाक से चीनी घुल जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्योंकि दूध एकदम गर्म रहता है, हलवा गर्म है तो अच्छा फटाक से चीनी घुल जाता है एकदम। एक दो मिनट इसे इस तरीके से हम करके चिकना कर लेंगे। और ये लीजिए तैयार है हमारा मूंग दाल का हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे जुड़ें, हमारा हौसला अफजाई करें, दुआओं में याद रखें और इसी तरीके से आप हलवा बनाएं और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बना है ये हलवा, आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करिए, किसी भी फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर बनाइए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, अल्लाह हाफिज़।